पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन इक्वेशन, सपोज एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है, इट गिव्स सी सी एंड डी डी। इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा That is equal to the product of molar concentration of the reactants with each term raised to the power on which the rate of reaction actually depends। यहां पर हमने कहा था कि जो K है वो rate constant कहलाता है या इसको velocity constant कहते हैं, और फिर definition से हमने बताया था This is also called as a specific reaction rate। आज हम इसी rate constant के units को calculate करेंगे। हमें इस rate constant के characteristics में बताया था कि जो rate constant के units होते हैं वो order of the reaction पर depend करते हैं। आइए देखते हैं कि ये order of reaction पर कैसे depend करते हैं। सपोज इसी रिएक्शन की यदि हम बात करें, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी एंड डी डी। सो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रेज टू द पावर अल्फा एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सेकेंड रिएक्टेंट विद रेज टू द पावर बीटा। अब यहां से जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, क्या है मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन को आप सिंपल यहां कंसेंट्रेशन लिख लीजिए, कंसेंट्रेशन पावर बीटा। रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, हमें पता है रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो वही वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है मोल पर लीटर में और टाइम होता है सेकेंड में, तो ये वैल्यू रख दीजिए, कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर, पावर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अल्फा प्लस बीटा गिव्स द एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से इसको आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पावर एन। सो यहां से के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन टाइम यानी सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर पावर एन, यानी के की जो जनरल यूनिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे मोल पर लीटर पावर वन माइनस एन एंड पर सेकेंड। ये इसके जनरल यूनिट्स आ गए रेट कॉन्स्टेंट के। तो आइए अब देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा। फॉर जीरो ऑर्डर के यूनिट्स क्या होंगे, एन की जगह पर जीरो रख दीजिए क्योंकि ऑर्डर जीरो है, यहां पे जीरो रखा तो कितना हो गया मोल पर लीटर पावर वन, यानी के यूनिट्स आ जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन कितना हो गया वन हो गया, वन की वैल्यू रखी तो क्या हो गया मोल पर लीटर पावर वन माइनस वन पर सेकेंड, यानी यूनिट्स क्या आ गए पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल पर सेकेंड हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए एन टू होता है, तो आपने वैल्यू पुट की एन की जगह पर तो वन माइनस टू हो गया पावर इंटू एस पर सेकेंड दैट इज एस पावर माइनस वन। तो ये कितना जाएगा माइनस वन, माइनस वन को आप लिख लीजिए बिल्कुल वैसे ही
माइनस को जब अंदर लेके आएंगे तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, माइनस की पावर प्लस हो जाएगी और प्लस की पावर माइनस हो जाएगी। तो यानी सेकंड ऑर्डर के जो यूनिट्स आ गए हमारे ये आ गए। और यदि थर्ड ऑर्डर की हम बात करें, थर्ड ऑर्डर के लिए मोल के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर 1-3 पर सेकेंड, यानी यूनिट हो जाएंगे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज आपको किसी एक रिएक्शन के लिए, फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज 3.0 × 10⁻³ सपोज 3 लीटर पर मोल पर सेकेंड, सपोज ये वैल्यू दी हुई है और आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, के यूनिट से आपने ऑर्डर बताना है। के यूनिट्स क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड है, तो देख लीजिए लीटर पर मोल पर सेकेंड किसके होते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक ही स्टेप में होती हैं, जैसे PCl5 ब्रेकअप इनटू द PCl3 प्लस Cl2। सो द रिएक्शंस which are taking place in one step, those are called as a elementary reactions। उनको हम क्या कहते हैं, elementary reactions बोलते हैं, जो केवल एक ही steps में होती है। इन reactions में according to collision theory, हम पढ़ेंगे आगे ये collision theory क्या है। अकॉर्डिंग टू क्लीजन थ्योरी, जो किसी एक रिएक्शन के रिएक्टेंट्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आयंस हैं या एटम्स हैं, दे मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। जितने रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं किसी एक रिएक्शन को देने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। वो क्या कहलाती है, उसकी मोलिक्यूलैरिटी कहलाती है। सो द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दोज कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहेंगे रिएक्शन की। सपोज यदि हम PCl5 की ही बात करें, PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2, यहां पर वन रिएक्टेंट है, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन हुई। This is unimolecular reaction। इसी तरह से suppose CH4 plus Cl2, यहां पर दो reactant आपस में strike कर रहे हैं, so इसलिए ये कौन सी reaction हुई, it is bimolecular reaction। इसी तरह से यदि हम बात करें, suppose NO plus O2, nitric oxide and O2, दो नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इट विल गिव NO2। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। यदि हम जनरल एक रिएक्शन लिखें, सपोज XaYb इट गिव्स ZC, इन दैट केस X मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड Y ऑफ B दे कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। सो यहां पर जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी रिएक्शन की, वो कितनी आ जाएगी, X+Y आ जाएगी। बट इट इज ऑब्जर्व दैट
कि जो साइमल्टेनियस कोलिजन होता है तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का, जैसे सपोज यहां पर एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, इन सभी चार का जो साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन वो बहुत रेयर होता है। रेयर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शंस ऑफ हायर मॉलिक्यूलरिटी, हायर मॉलिक्यूलरिटी कितनी, तीन से ज्यादा, यानी तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाली जो रिएक्शंस होती हैं, इसलिए बहुत रेयरली ऑब्जर्व की जाती है। ज्यादातर जो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शंस की वो कितनी मिलेगी, तीन मिलेगी, यानी तीन से ज्यादा वाली जो रिएक्शंस हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही कम देखने में मिलती है। दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास, HBr व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल गिव वाटर एंड ब्रोमीन। ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट, HBr रिएक्ट्स विद O2, इट विल गिव HO2Br। देन दिस HO2Br रिएक्ट्स अगेन विद HBr टू फॉर्म 2HOBr। देन दिस 2HOBr अगेन रिएक्ट्स विद द HBr टू फॉर्म 2 वॉटर मॉलिक्यूल एंड 2Br2। सो यदि हम इन तीनों स्टेप्स को जोड़ें तो ओवरऑल रिएक्शन आपको ये मिलती है। यानी ये जो रिएक्शन है वो इन तीन स्टेप्स के थ्रू हो रही है। सो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एंड ऑल द थ्री स्टेप्स आर द एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन फिर क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है। सो द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स proposed to account for the overall reaction is called mechanism of the reaction। ये जो series of the steps हैं जो overall reaction को देने के लिए propose की गई हैं, ये क्या कहलाएगा? इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इस ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाएगा। तो यदि किसी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ हो, देन रेट लॉ के अकॉर्डिंगली देन हम उसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी ये मीनिंगलेस बात होती है। जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, किसी एक एलिमेंट्री स्टेप के मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करेंगे, ओवरऑल की नहीं करेंगे। जो रिएक्शन का रेट होता है वो उन सीरीज ऑफ स्टेप्स में से भी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उस पर डिपेंड करता है। यानी स्लोएस्ट स्टेप of the elementary reactions is the rate determining step।
यानी जो रिएक्शन की स्पीड होगी, रिएक्शन का जो रेट होगा वो इन एलिमेंट्री स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होगी उस पर डिपेंड करेगा। यानी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप मानी जाती है। तो आइए देखते हैं ये जो मैकेनिज्म है ये हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल देके इसको समझते हैं। यदि हमें किसी एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट दिया हुआ हो तब उस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं कुछ एक एग्जांपल लेके। सपोज एग्जांपल है N2O5, इट गिव्स 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन है और इसके लिए जो रेट हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दैट इज K into N2O5। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम कैसे लिख सकते हैं मैकेनिज्म। हमें पता है कि मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है और जो स्लो स्टेप होती है वही रिएक्शन को रेट देती है, यानी स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। तो सबसे पहले हम स्लो स्टेप लिखेंगे, यहां से हमने ये रिएक्शन ली, ये स्लो स्टेप है, रिएक्टेंट लिया N2O5। अब इससे एटलीस्ट हमें इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट जरूर बनाना है, NO2 हमने बना दिया और बाकी हमारे पास बच गया NO3। अब देखिए ये स्लो स्टेप है, हमने ये स्लो स्टेप लिखी है, स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। तो यदि हमें ये ना दिया हुआ हो और स्लो स्टेप दी हुई हो तो हम इस स्लो स्टेप से रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं जो सेम रेट हमें मिलता है। अब सेकंड स्टेप की हम बात करें, सेकंड स्टेप के लिए अब ये जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना था NO3 ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसको हमें फिर बाकी बचे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराना है। N2O5 का एक मॉलिक्यूल तो यहां यूजअप हो गया तो दूसरा यहां पर आ जाएगा N2O5, और यहां से अब आपने प्रोडक्ट बनाने हैं और जो यहां पर नहीं बने हैं और जो फाइनल रिएक्शन में दिए हुए हैं, ये हो गए 3NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस है, ये फास्ट रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन को यदि आप ऐड करें सम करें तो आपके पास यही रिएक्शन आनी चाहिए, देख लीजिए करके देख लेते हैं। ये कैंसल आउट हो गया और ये हो गया 2N2O5, इट गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये ओवरऑल रिएक्शन, इसका मतलब हमें सेम मिल रही है तो मैकेनिज्म हमारा सही है। तो इस तरीके से हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सपोज हमारे पास एग्जांपल है 2NO2 प्लस F2, इट गिव्स 2NO2F। ये हमें रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन का जो रेट है वो हमें दिया हुआ है K into NO2F2, ये दिया हुआ है रेट। अब बिल्कुल इस तरीके से हमने फिर वही मैकेनिज्म लिखेंगे, हम पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, स्टेप वन में जो हमें यहां पर रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट में कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है हम वो लेके चलते हैं NO2 प्लस F2। आपने कम से कम जो प्रोडक्ट यहां पर ओवरऑल रिएक्शन में मिले हुए हैं उनमें से एक प्रोडक्ट जरूर बनाना है, यहां पर एक ही बना हुआ है तो हमने यहां पर ये बना दिया प्लस बाकी क्या बचा F। ये क्या है, ये स्लो स्टेप है। अब इससे यदि आप रेट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए तो यही आएगा। सेकंड स्टेप, अब जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट यहां बना है लेकिन हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है उसको हमें फर्दर रिएक्ट कराना होगा, किसके साथ, ऐसे रिएक्टेंट के साथ जो यहां यूजअप नहीं हुआ है। F2 एक है ओवरऑल में, एक ही मॉलिक्यूल F2 यूज हो चुका है, यहां 2NO2 है लेकिन एक यूज हुआ है तो दूसरा NO2 यहां पर रिएक्ट कर जाएगा, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी फास्ट और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।
अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही रिएक्शन ओवरऑल मिलेगी, तो इसका मतलब हमारा मैकेनिज्म ये सही है। एक एग्जांपल और लेके करेंगे हम, अनदर एग्जांपल, सपोज रिएक्शन इज NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल गिव NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए हमें रेट दिया हुआ है NO2 ट्वाइस, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां से जब हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन हमने रेट लॉ से उठानी है, यानी NO2 कितने मॉलिक्यूल, 2, दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस विल गिव एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट जो ओवरऑल रिएक्शन में हमें मिला है, NO बना दिया प्लस बाकी क्या रह गया, NO3 रह गया। अब ये जो NO3 है इट रिएक्ट्स विद रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, क्या रह गया आपके पास, CO रह गया, ये एक सेकेंड स्टेप हो जाएगी, इट इज अ फास्ट स्टेप, अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, NO2 प्लस CO2। अब ये CO2 क्यों बनाया है, क्योंकि आपके पास इस रिएक्शन में ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना था। अब ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, ये कैंसल आउट हो गया और यहां पर 2NO2 है, ये 1 है, तो यहां पर 1NO2 रह गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज द सेम ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं। यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो स्लो स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, वही हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देती है और वही हमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी देती है, यानी हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की, हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है। आइए देखते हैं कुछ एक फर्दर न्यूमेरिकल्स लेके मैकेनिज्म के बेस पर। न्यूमेरिकल देखते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, एंड व्हाट इज द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इफ द मैकेनिज्म इज, यदि ये मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है तो फिर इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट क्या होगा। देखिए हमें पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी इस स्लो स्टेप से आप रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के वन इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये इसके अकॉर्डिंगली रेट आ गया। बट यदि हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो उसमें NO3 स्पीशीज इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये एक अननोन स्पीशीज है जिसकी कंसंट्रेशन को हमें NO और O2 की कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्लेस करना होगा। वो कहां से कर पाएंगे, इस रिएक्शन से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये K की वैल्यू लिख दी। तो यहां पर इस रिएक्शन में अननोन NO3 है तो वो NO3 की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करके इस रिएक्शन में पुट अप कर देंगे, तो यहां से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 क्या आ गया, K इंटू NO एंड O2, लेट दिस इक्वेशन नंबर इज 2, पुट दिस वैल्यू ऑफ NO3 इन इक्वेशन नंबर 1, सो द रेट बिकम्स K1, NO3 की जगह पर ये सारी वैल्यू आपने रख दी, यानी K इंटू NO एंड O2 एंड NO, तो ये क्या आ जाएगी, दिस गिव्स एन अनदर कॉन्स्टेंट, लाइक दिस इज अ के डैश और NO स्क्वायर एंड O2, दिस इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां तक बच्चों हम लोग समझ चुके हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। आइए फिर भी देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस देखते हैं। ऑर्डर जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था, इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स
ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, यानी रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जिन पर रेट लॉ एक्चुअल में डिपेंड करता है उनका सम, दैट इज एन, एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमने लिखा था। जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, यानी कितने स्पीशीज, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं किसी एक रिएक्शन के लिए। जो ऑर्डर होता है ये फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल भी किया था H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2 HBr एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज इक्वल टू के इनटू H2 एंड Br2 हाफ। सो यहां से ऑर्डर्स, ओवरऑल ऑर्डर क्या जाता है 1 + 1/2 दैट इज 3/2। सो ऑर्डर में भी इन फ्रैक्शन, बट जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमेशा एक होल नंबर क्वांटिटी होती है। होल नंबर क्योंकि कोई भी जो स्पीशीज है वो एक होल नंबर में रिएक्ट करेंगे, यानी 2 रिएक्ट करेंगे, 3 रिएक्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कभी रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह से जो ऑर्डर है वो 0 हो सकता है। हमने बताया था कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है उनका ऑर्डर हमेशा 0 होता है, जबकि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन हो ही नहीं रही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली ही मेजर कर सकते हैं। किसी एक रिएक्शन के रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप ऑर्डर नहीं बता सकते। जैसे इस केस में यहां पर H2 और Br2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 है, बट ऑर्डर इज 3/2। सो ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बट जो मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शन की, दैट इज सिंपली बाय एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। जैसे हमने बात भी की थी, यदि एक्स मॉलिक्यूल्स ए के और वाई मॉलिक्यूल्स बी के हमें सपोज जेड मॉलिक्यूल दे रहे हैं सी प्रोडक्ट के, तो जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, यदि ये स्लोएस्ट स्टेप है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस पर और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर एज वेल एज एप्लीकेबल होता है, परंतु जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस पर ही एप्लीकेबल होती है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी किसी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, यदि कोई बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो वो मीनिंगलेस बात हो जाती है, यानी उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। थैंक यू।